तो दोस्तों आज हम ये अरबी के पत्ते लेने आए हैं। तो ये देखिए अरबी जो है ये सामने लगी पड़ी है और इसके जो पत्ते हैं अभी हम ये ले के जाएंगे। तो आज हम इसकी एक जो हमारे हिमाचल में रेसिपी बनती है, वैसे तो हर जगह इसकी रेसिपी बनती है और कहीं ना कहीं इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, और हमारे हिमाचल में इसे पतेड़ पतोड़े और पतरोड़ू के नाम से जाना जाता है, और कई जगह इसे अरबी के इन पत्तों से पकोड़े भी कहा जाता है। तो अभी हम ये कलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों अगर आपने ये रेसिपी बनानी है तो इसके लिए अगर आपके पास देसी अरबी अवेलेबल है तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि देसी अरबी के जो पतरोड़े या पतेड़ बनती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, ज़्यादा टेस्टी होती है फार्मी अरबी की बजाय, क्योंकि जो फार्मी अरबी होती है उसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो थोड़े नरम नहीं होते, थोड़े हार्ड रहते हैं, तो जिससे उनकी जो हम पतरोड़ू या पतेड़ की रेसिपी तैयार करते हैं वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है। तो ये देखिए दोस्तों अभी मैंने कुछ पत्ते इसके अरबी के काट लिए। तो हमें इन पत्तों को काटने के लिए सबसे पहले एक नाइफ़ की ज़रूरत पड़ेगी जो मैं अपने साथ लाया हूँ। तो ये देखिए, और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि इसको काटने से पहले हमने जो है वो पुराने कपड़े ज़रूर डालने चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे कपड़े डालकर इन्हें काटने आ जाएंगे तो वो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो जब हम इसे काटते हैं तो एक पानी सा पदार्थ निकलता है और जो बाद में रेड रेड कलर का हो जाता है और वो हमारे कपड़ों को लग जाता है, और वो दाग कभी जाता नहीं है, वो परमानेंटली ही कपड़े पे लग जाता है, फिर आप उसे कैसे भी धोएं वो दाग जाता नहीं है। तो इसीलिए जब भी हम इसे काटने के लिए आए तो कोई थोड़े पुराने कपड़े डाल के आएँ। और दोस्तों एक बात और बता दूं, हम वैसे जब इसके पत्ते जो है वो जैसे कि ये एक पेड़ लगा हुआ है, इसके सभी पत्ते नहीं काटेंगे, क्योंकि ये देखिए इसका एक पेड़ है, इसके ऊपर ये पांच डंठल निकले हुए हैं, इसमें से एक या दो पत्ते ही एक पेड़ से कलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम सभी पत्ते एक पेड़ से ही कलेक्ट कर लेंगे। तो इसके नीचे जो अरबी होती है वो क्या है, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती, उसका साइज जो है वो रुक जाता है और उसका साइज बढ़ता नहीं है, इसीलिए हम सभी जो पेड़ है ये अरबी के या झाड़ बोल सकते हैं उन सभी में से एक या दो पत्ते ही निकालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने ये पत्ते जो है ये कलेक्ट कर लिए हैं और एक कपड़े में अभी इसमें रख लिए हैं, अब हम इसे घर लेकर चलते हैं। और हाँ दोस्तों, पत्ते आप जितने छोटे तोड़ेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे पतरोड़ू या पतेड़ अच्छी बनती है, ज़्यादा बड़े पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि वो हार्ड हो जाते हैं और उनकी जो है पतरोड़ू या पतेड़ अच्छी नहीं बनती है। हेलो व्यूवर्स, तो आज हम आपके साथ पतेड़ या पतरोड़ू की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, वो भी हिमाचली स्टाइल में। तो उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे इस धानी जीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन घंटी के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया करो यार वीडियो को, इससे बंदे का मनोबल बढ़ता है और मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई रेसिपी। तो अभी हम ये जो पतेड़े हैं वो लेकर आ चुके हैं, अभी हम इन्हें पहले वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से पानी में। तो मैंने एक बर्तन ले लिया, उसमें अभी हम वॉश करेंगे। तो इस पेस्ट में दोस्तों मैं आपको बता दूं क्या क्या सामान डलता है। इसमें सबसे पहले हमें बेसन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि चने का बेसन होता है, और अगर आपके पास मक्की का आटा अवेलेबल है तो वो भी दोनों को ऐड मिक्स कर सकते हैं।
सबसे पहले बेसन को लेकर, बेसन में अजवाइन और सौंफ और हरी मिर्च, लाल मिर्च, अजवाइन, ये सभी इसमें बेसन में डाल लेने हैं और इनका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। और स्वाद अनुसार आप इसमें अपना नमक जो है वो ऐड कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए, कम या तेज। और पेस्ट को इतना पानी डालना है कि इस ना ज़्यादा तरल हो और ना ही ज़्यादा टाइट हो। तो ये देखिए, ऐसे सभी पत्तों को लगाकर एक दूसरे के ऊपर पत्ता लगा रहे हैं ये। और ये देखिए, इस प्रकार इसे रोलिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये इस प्रकार रोलिंग करके तैयार हो चुकी है। अभी इसे ऊपर से बांध दिया जाएगा किसी धागे की मदद से। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हमने ये देसी स्टीमर तैयार कर दिया है। आपके पास अगर दूसरा स्टीमर है जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं तो आप उसमें भी स्टीम कर सकते हैं इन पतेड़ों को। तो अभी हमने ये एक भगोना ले लिया, उसमें ये लकड़ियाँ के पीसीस काट के अंदर डाल दिए हैं और देसी स्टीमर तैयार कर लिया है। तो अभी हम इसमें 2 लीटर पानी डालेंगे। ये 4 से 5, 5 से 6 पतेड़ों के लिए कम से कम 2 लीटर पानी इसमें स्टीम करने के लिए डालेंगे। तो ये देखिए, अभी हमने ये 1 लीटर पानी डाल दिया और ये अभी फिर से एक जग डाल देंगे। ये हमारा 1 लीटर का जग है, अभी हमने 2 जग इसमें डाल दिया, 2 लीटर पानी डाल दिया। तो अभी हम अपने पतेड़े सेट करेंगे इन लकड़ियों के ऊपर। और ये देखिए दोस्तों, अभी हमने ये पतेड़े जो हैं इस पतीले में डाल दिए हैं और सेट कर दिए हैं। तो अभी ये हमारा पतीला सेट हो गया है, अभी हम इसे चूल्हे पर चढ़ाएंगे, स्टीम करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी जो पतेड़े हैं वो तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए, ये पक चुकी हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अभी ये स्टीम होने के बाद पतेड़े इस प्रकार से तैयार हो गई हैं। तो अभी अगर आप इसे ऑयली फ्री खाना सकते हैं, खाना चाहते हैं तो ऑयली फ्री भी खा सकते हैं काट के। तो अगर आप इसे फ्राई करना चाहते हैं तो आप देसी तेल में, जो कि सरसों का तेल होता है, उसमें भी फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, ये काट कर आप इस तरह इसे खा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार आप सरसों के तेल में इन्हें फ्राई कर सकते हैं। ये इस तरह फ्राई हो रही है अभी। और ये देखिए, ये फ्राई होने के बाद इस तरह हो जाती है।